जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। इससे पहले हमने 3 वीडियो डाले हैं, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए। आज हम कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे। इसके पहले हमने रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, क्या होता है भाज्य, क्या होता है शेषफल, क्या होता है क्वेश्चन, क्या होता है, ये सब बातें हमने चर्चा कर ली है। कल के टॉपिक में मैंने आपको फैक्टोरियल बताया था, फैक्टोरियल को और आगे क्या कहते हैं ये और देख लीजिएगा। फैक्टोरियल वैसे मैंने पूरी बात बता दी है, फिर भी फैक्टोरियल क्या होता है एक बार आप देख लीजिए। फैक्टोरियल को हिंदी में हम क्रम गुणित कहते हैं, है ना, फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल को हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे हमको 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम इसको 2 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर फैक्टोरियल का साइन ऐसा उल्टा आई भी होता है, ठीक है। तो हम अब समझेंगे कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। क्रम गुणित जो भी अंक दिया रहेगा उसको 1 से स्टार्ट करके उस अंक तक इंटू करना। जैसे यहाँ 2 दिया है तो 1 × 2, क्योंकि ये 2 ही तक था तो ये 2 आ जाएगा। यदि हमें फैक्टोरियल 5 का निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 1 को हमको पूरे 5 तक इंटू करके ले जाना है, 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। ये देखिए ये है 5, तो इसको पूरा इंटू कर दीजिए, 5 × 20, 20 दिया 60, 60 × 2 = 120, और 120 = 120, तो ये होता है फैक्टोरियल 5 का वैल्यू। ज़्यादा कुछ नहीं होता। हम मैं एक फैक्टोरियल 1 से आपको बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। फैक्टोरियल हम 0 से लेते हैं। फैक्टोरियल 0 का मान जो होता है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, 1 × 1 करेंगे, ठीक है। अब फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 ही होता है, और फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है, तो 1 × 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान होता है तो 1 × 2 × 3 = 6, है ना। अब फैक्टोरियल 4 का देखिए तो 1 × 2 × 3 × 3 × 4, 4 × 12 = 24। अब देख पा रहे होंगे कि जितना भी फैक्टोरियल का हमको मान निकालना है, जो लास्ट जो अंक होता है, जैसे 4 का निकालना है तो हमको 1 से लेकर 4 तक उसको क्रम गुणित करना होता है। इसी प्रकार अगर फैक्टोरियल 5 का देखें, 5 का देख चुके हैं, 6 का देख लेते हैं। फैक्टोरियल 6 का 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, ठीक है, इतना गुना करना पड़ेगा। देखिए इसमें एक फैक्ट वाली बात यह है कि जब भी हम फैक्टोरियल 5 के बाद जाते हैं तो हमको इकाई अंक 0 दिखना शुरू हो जाता है। कैसे होता है ये देखिएगा। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 120। अब 120 के बाद आप कोई भी संख्या का गुणा कर लीजिए, है ना। यूनिट डिजिट में यदि 0 है तो उसका यूनिट डिजिट 0 आना तय है, या फिर अदर वर्ड में ये कहा जाए कि प्राकृतिक संख्या के को यदि लगातार समूह को अगर गुणा किया जाए, है ना, 5 के बाद, है ना, 5 के बाद अगर लगातार समूह को गुणा किया जाए तो यूनिट डिजिट हमको हमेशा 0 मिलेगा 5 के बाद। 5 के बाद क्यों, क्योंकि 0 का निर्माण 5 और 2 के मिलन से ही होता है। तो फैक्टोरियल 5 के बाद 0, फैक्टोरियल 5 से ही, 5 के बाद नहीं, फैक्टोरियल 5 से ही यूनिट डिजिट 0 होना शुरू हो जाता है, तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। वैसे कल की क्लास में मैंने बताया था, फिर भी इसको और देख लीजिएगा। चलिए अब आज हम कुछ नया टॉपिक उठाते हैं। नया टॉपिक क्या है, तो ये है हमारा, नया टॉपिक में क्या है हमारा, तो ये है टोशियन मेथड। किसी भी संख्या को अभाज्य, किसी भी संख्या का, है ना, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का रिमाइंडर निकालना अभाज्य, सॉरी, किसी भी संख्या का अभाज्य, किसी भी संख्या का रिमाइंडर निकालना एक और थ्योरम है कि हम किसी भी संख्या का रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं, तो हम टोशियन मेथड से निकाल सकते हैं। अब देखेंगे टोशियन क्या होता है, है ना, टोशेंट क्या होता है और टोशेंट क्यों लगाया जाता है। मैं जैसे मैं बात मानूं कि ये x = n है और यहाँ d है, ठीक है, तो क्या होगा यदि x और d का जो HCF है 1 है, तभी हम टोशेंट मेथड लगा सकते हैं, अन्यथा हम टोशेंट मेथड नहीं लगा सकते हैं। टोशेंट क्या होता है हम आगे देखते जाएंगे। फिर ये समझ लीजिए, यदि आपको इस इक्वेशन में क्वेश्चन दिया गया है x की पावर n बटा d, यदि x की पावर n बटा d के बाद यदि x और d दोनों का HCF यदि 1 होता है, तब की स्थिति में ही हम टोशेंट मेथड लगाकर किसी भी संख्या का शेषफल ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए हम टोशेंट पहले किसका सीखेंगे, अभाज्य संख्या का टोशेंट निकालना। किसी भी अभाज्य संख्या का टोशेंट कैसे निकाला जाता है देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम दो का निकालते हैं, दो एक अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो करना क्या है ये देखिएगा, करना कुछ नहीं है, टू का टोशेंट निकाल। अब लगातार तीन चार का देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एक नई स्लाइड पर ही बनाता हूँ, है ना। दो का हमको निकालना है टोशेंट, दो का टोशेंट निकालना है तो क्या करना है, टू इंटू इसको एक से माइनस करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, एक से माइनस करना है ऐसे, और एक बटे दो जो आंसर जो दिया रहेगा उसी से उसको जिससे उसको भाग करना है। बस ध्यान से देखते जाइए, दो चार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बटा दो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक, तो क्या हो गया, दो का टोशियंट एक आया। अब अगला प्राइम नंबर हमारा क्या है, अगला प्राइम नंबर हमारा थ्री है, ठीक है। अगला प्राइम नंबर हमारा थ्री है, तो थ्री का टोशन कैसे निकालेंगे, तो थ्री इंटू वन माइनस एक बटा तीन। ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा तीन इंटू दो बटा तीन। इसको सॉल्व करेंगे तो एक में यदि एक बटा तीन माइनस करेंगे तो एक बटा दो बटा तीन ही आता है। माइनस यदि आपको डाउट है तो माइनस करके दिखाता हूँ, वहाँ पे मैं एलसीएम हो जाएगा हमारा तीन, ठीक है। तीन एकम तीन और ये हो जाएगा एक, ये आया आपका दो बटा तीन, ठीक है। तो ये हमने ये वाला स्टेप ला के दिखाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तीन से ये तीन कटा, हमारा तीन का टोशेंट कितना आ गया, तीन का टोशेंट आ गया दो। उसी प्रकार हम अगला हमारा प्राइम नंबर क्या है, अगला हमारा प्राइम है पाँच, तो पाँच का टोशेंट कैसे निकालेंगे, उसी प्रकार वन माइनस एक बटे पाँच। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पाँच इंटू चार बटे पाँच हो जाएगा, है ना। माइनस करेंगे एक में, अगर एक बटे पाँच को माइनस करते हैं तो शेष कितना बच जाता है, चार बटे पाँच। ये फिर वापस कट जाएगा तो ये हो जाएगा चार, ठीक है। एक और टोशन निकालते हैं सेवन का, सेवन का टोशन निकालेंगे तो क्या होगा, सेवन इंटू एक माइनस एक बटे सात, ये हो जाएगा सात गुना छः बटे सात, ये हो जाएगा छः। ये ऐसे निकालते हैं टोशन, है ना। ये सभी हमने प्राइम नंबर का निकालना है, आगे आप किसी का भी निकाल सकते हो। तो मैंने तो ये आपको कॉन्सेप्ट निकालने के लिए बता दिया, लेकिन आपको एग्ज़ाम में निकालना नहीं है। आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, दो एक प्राइम नंबर है, तीन प्राइम नंबर है, पांच प्राइम नंबर है, सात प्राइम नंबर है। तो दो का टोशेंट एक आ रहा है, तीन का टोशेंट दो आ रहा है, पाँच का टोशेंट चार आ रहा है, और सात का टोशेंट छः आ रहा है। इसमें एक सिमिलैरिटी है, यदि कोई नंबर, यदि हम किसी भी प्राइम नंबर का टोशेंट निकालते हैं तो वो उससे एक कम ही आता है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, यदि नौ तो प्राइम नंबर नहीं है, ग्यारह एक प्राइम नंबर है, तो ग्यारह का टोशेंट कितना होगा, ग्यारह का टोशेंट हो जाएगा दस, एक कम होगा ना। अगला प्राइम नंबर हमारा तेरह है, तो तेरह का टोशेंट कितना हो जाएगा, तेरह का टोशेंट हो जाएगा बारह, ठीक है। इतने तक आपको समझ में आया, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये देखते हैं, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये देखिए, अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये देखिएगा। अब हमसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये देखिएगा, ठीक है। अब हम इसे क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, हमको क्वेश्चन दिया गया एग्जांपल में, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया एग्जांपल में कि दो की घात 67 बटा पाँच, देखिए। अब हमको इसका रिमाइंडर निकालना है ना, फाइंड क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब सॉल्व करने के लिए देखिए, तो क्या मैंने वहाँ क्या बताया था आपको, याद कीजिए, मैं एक्स की पावर एन है और नीचे डी है, ठीक है। एक्स की पावर एन है और डी है, इन दोनों का एच सी एफ यदि एक है तो आपको टोशेंट लगाना है, ठीक है। यहाँ पर टोशेंट एक है क्या, देखिए तो टोशेंट दो और पाँच का टोशेंट, सॉरी दो और पाँच का एल सी एम एक है, एक है, ठीक है, एक है। अब क्या करना है आपको, इस पाँच का टोशेंट क्या होता है, पाँच एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर से एक कम उसका टोशेंट रहता है, तो इसका टोशेंट हो जाएगा चार, ठीक है। इसका टोशेंट हो जाएगा चार। अब क्या करना है हमको, इस पाँच की जगह चार रखना है, इस पाँच की जगह चार रखना है, तो दो की पावर 67 बटा चार। अब इसको सॉल्व करना है,
ठीक है। अब करना क्या रहता है कि अगला स्टेप ये है कि इस जो 67 है ना पावर, उसको आपको टोसेंट से भाग देना है, ठीक है। ऊपर जो पावर लिखा गया है उसको आपको टोसेंट से भाग देना है, पर जो है उसको टोसेंट से भाग देना है। वास्तव में आपको यहाँ 4 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं था, यहाँ 4 से डिवाइड नहीं होता, आपको उसको टोसेंट से भाग देना होता है। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे, है ना। ये टोसेंट हमने निकाला है ना, तो इसका टोसेंट 4 होगा, और इस 4 को हमको 67 से भाग देना है, इस 4 को हमको 67 से भाग देना है, इस 4 को हमको 67 से भाग देना है, भाग देना। उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसे हमको इस 67 की जगह लिखना है। क्या बोला मैं, इस 67 को इस 4 से भाग देना है, तो भाग दे दीजिए। तो 4 एकम 4 एक बार जाएगा, 4 दो आ गया, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 छः के 24 है ना, 4 छः के 24, रिमाइंडर हमारे पास बचता है 3। अब जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा है उसी को इस 67 की जगह लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 5। 3 तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 और ये होता है 5। अब रिमाइंडर निकालेंगे तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 3। 5 को आप 8 से भाग दे के देखिए, रिमाइंडर आपका 3 आएगा। ये होता है टोशेंट। अगला क्वेश्चन इसी में और एक देखिए, अगला क्वेश्चन इसी में और देखिए, इसी पैटर्न पे और देखेंगे तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 3 की पावर 67 बटा 7। क्या इन दोनों का एलसीएम 1 है? बिल्कुल एलसीएम 1 है। अब 7 एक प्राइम है, तो 7 का टोशेंट कितना होगा? 6 होगा। इस 6 को 67 से भाग दे दीजिए। चलिए तो 6 एकम 6 यहाँ आ गया, ठीक है। फिर 6 एकम 6 आया तो इसका रिमाइंडर आया 1। अब इस रिमाइंडर को इसके स्थान पर रखना है, तो 3 की पावर 1 और ये 7, 3 7, रिमाइंडर हमारा हो गया 3, ठीक है। ये होता है आपका टोशेंट, ये होता है आपका टोशेंट। चलिए अगला इसी में और देखते हैं, अगला इसी में और देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें टोशेंट के ऊपर अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 46 बटा 11। देखिए बटा 11, क्या ये दोनों एचसीएफ हैं? एचसीएफ इसके 1 है, बिल्कुल है। और 11 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, इसका टोशेंट क्या होगा? 1 कम होगा, तो 10 हो जाएगा, निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो इस 10 को आप हमको 46 से भाग देंगे, 46 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा रिमाइंडर, है ना। इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, 10 10 चौक 40 और 6 बच जाएगा। तो हमको इस पावर की जगह क्या लिखना है, है ना, इस 7 के पावर जगह 6 लिखना है और नीचे रहेगा हमारा 11, ठीक है। ऐसा कर लीजिए, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 3 और 7 के पावर 3 नीचे 11 कर लीजिए। 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343, है ना, 343 इंटू 343। ये 11 से कटने लायक है, ये सभी संख्याएं जो है 11 से कट जाएंगी, 11 से नहीं कटेंगे, ये जाएगा, इसमें रिमाइंडर आएगा तो 2 आ जाएगा काटेंगे तो, और इसका रिमाइंडर आ जाएगा 2, ठीक है। यदि 11 से काटते हैं तो इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा और 2 यहाँ भी 2 आ जाएगा, या चाहे तो आप यहाँ पे काट के देख सकते हैं, देखना चाहे तो देख लीजिए। ये 34 3 है, 11 से काटिए तो 11 3 होता है 33, ठीक है। अभी होता है 11 एकम 11, ठीक है, रिमाइंडर 2 आया, वही हमने यहाँ लिखा है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। अब इन दोनों के बीच में गुना का साइन है, तो 2 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 बटे 11, रिमाइंडर हो जाएगा 4 क्योंकि वो 11 से छोटा है, ठीक है। तो टोशेंट से क्वेश्चन आपको ऐसे बनाने हैं। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस पर एक और क्वेश्चन देखने लायक है। तो एक और क्वेश्चन क्या होगा, 49 के पावर 49 यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, ये 49 के पावर दिया गया है हमको, 68 दिया गया है, और इसको भाग करना है आपको 23 से। क्या इन सबका जो क्वेश्चन है, सॉरी पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं ना, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, पहले देख लीजिए। 23 को दो बार गुना करते हैं तो 46 हो जाता है, और 46 में 23 दुना 46 होता है, रिमाइंडर हो जाता है 3,
तो आगे इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/23, क्योंकि रिमाइंडर ऊपर है ये, और इसका पावर दिया गया है 68, इसका पावर दिया गया है 68। अब देखिए इन सॉरी ये 23 है ना, ये देखिए इस ये एलसीएम एक हो गया, एलसीएम एक हो गया, और 23 एक प्राइम नंबर है, है ना। देखिए प्राइम जो टोशन आप जब भी लगाएंगे, जब नीचे आपको प्राइम नंबर दिखेगा, नीचे प्राइम नंबर दिख रहा है तो इसका प्राइम नंबर यदि ये 23 है तो इसका प्राइम नंबर 22, टोशन 22 होगा। अब इस 68 को इससे भाग दे देते हैं, 68 को इस 22 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये देखिए 22 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर बच जाता है 2, ठीक है। 22 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 2, रिमाइंडर बच जाएगा तो इसी रिमाइंडर को 68 की जगह लिखेंगे तो 3/2 हो जाएगा, नीचे 23 हो जाएगा, 3/2 होता है 9 और ये हो जाता है 23, तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा लास्ट में 9, ठीक है। ये होता है, तो ये होता है हमारा अभाज्य संख्या का, हाँ अभाज्य संख्या का टोशेंट, ये होता है हमारा अभाज्य संख्या का टोशेंट। अब देखेंगे कि भाज्य संख्या का टोशेंट कैसे निकालते हैं, अभी हमने अभाज्य देखा, अब भाज्य संख्या का टोशेंट कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। भाज्य संख्या का टोशेंट कैसे निकालते हैं ये हमको देखना है अब, ठीक है। अब हमको देखना है कि भाज्य संख्या का टोशेंट क्या होता है। तो भाज्य संख्या में हम सबसे पहले देखते हैं, हमारा पहला भाज्य संख्या है 4, ठीक है। एक आपका ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, दो भाज्य है, तीन भी अभाज्य है, हमारा पहला भाज्य संख्या है 4। तो इसका स्टेप उसी समझते जाएगा जैसे उसमें समझ आपको समझा था, ठीक है। तो ये 2 है, 2 का स्क्वायर होगा, इसको आपको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में तोड़ना रहता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, जिसको नहीं टूटेगा उसको हम अलग अलग तोड़ेंगे, लेकिन उसको अभाज्य संख्या में ही तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये 2 का 2 बार टूट गया, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 का 2 बार टूटे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, हमारा बेस 2 आ गया तो 4 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 माइनस 1/2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 1/2 आएगा, काटेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 2, ये ऐसा इस टाइप का, ठीक है। अब 6 का निकालना है, तो 6 को हमको प्राइम नंबर में तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे प्राइम नंबर में, तो 2 इंटू 3, ये हमने प्राइम नंबर में तोड़ दिया। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो 6 इंटू 1/2 को लेंगे, है ना, 1/2 को लेंगे तो 1 माइनस 1/2, ठीक है। एक बार हमको 3 को लेके चलना है तो 1 माइनस 1/3, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 इंटू 6 इंटू, बस इसका उल्टा मिलता है, 2 है तो 3 हो जाए, 2 है तो 2/3 मिलेगा, 3 है तो 3/2 मिलेगा, ठीक है। 2 है तो ये क्या मिलेगा हमको, यहाँ 2 है, 1/2 है तो 1/2 का क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे 1/2 मिलेगा, इंटू 1 माइनस 1/3 का वैल्यू हो जाएगा 2/3, ऐसा। तो ये 2 से ये 2 कटा, ये 2 और ये 6, तो इसका भी वैल्यू आ गया 2। देखिए इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है, इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो ये हमने किसका देखा, इतना तक तो आप कर लोगे कि 1 माइनस 1, 1 में 1 आधा माइनस करेंगे तो आधा बचेगा, है ना, 1 में 1/3 माइनस करेंगे तो 2/3 मिलेगा, इतना तो आप कर लोगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या देखना है आपको, आगे नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट है आपका अगला भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या आपका 8, है ना। 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो 8 तो 2 का क्यूब होता है, है ना, 2 का क्यूब होता है 8, तो इसको हमको कैसे तोड़ना है, 8 इंटू 1 माइनस 1/2, ठीक है, 1 माइनस 1/2 होगा, तो ये आगे चल के हो जाएगा 8/1/2, तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4। अगला हो जाएगा आपका प्राइम नंबर, सॉरी अप्राइम नंबर, भाज्य संख्या 9 है, 9 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 9 जो है 3 का क्यूब होता है, तो 3 का वर्ग होता है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 9 इंटू, देखिए सेम अंक है इसलिए हमको अलग नहीं करना पड़ता, यदि प्राइम नंबर अलग हो जिसमें 6 में हुआ था 2 और 3 का, लेकिन यहाँ 3 है यहाँ 2 ही है तो एक ही बार करना है, ये देखिए ये होता है 1/3, ऐसा ये हो जाएगा 9/2/3, है ना, 2/3, ये 3 × 9, तो ये हो जाएगा 3 × 6, ये 3 × 6, 9 का क्वोटिएंट आया 6। इसी प्रकार हम 12 का देखते हैं, 12 का क्या होगा, 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो ये 2 के स्क्वायर में टूटेगा और ये
चार, सॉरी तीन में टूटेगा ना। ये तीन में टूटेगा, ठीक है। अब कैसे करना है इसको देखिए, ये हमने लिख दिया बारह। एक बार दो के लिए लिखेंगे, देख अगर दो के लिखे लिखेंगे तो हमको एक बटा दो करना है। देखिए ट्रिक समझिए, अगर तीन के लिखना है तो आपको दो बटे तीन लिखना है। देखिए वहाँ तक हम पूरा शॉर्टकट का प्रोसेस से करते हैं। अब सीखिए, यदि दो के लिए निकालना है तो दो नीचे रहेगा, उसका आधा ऊपर, उसका एक, इसका पहला वाला अंक ऊपर चला जाएगा। तीन के लिए निकालना है तो तीन तीन से पहला अंक दो ऊपर चला जाएगा। ये दो से दो काट दिए, तीन चौके बारह, तो बारह का कोटिएंट चार आया। ये आपको याद रखना है, क्योंकि प्राइम नंबर में ये फ़ायदा था कि उसका एक कम प्राइम नंबर कोटिएंट होता था, इसमें वैसा नहीं है, ठीक है। जैसे आप 30 का निकालना चाहते हो, 30 का निकाल के देख लीजिए, 30 को आप कैसे प्राइम नंबर तोड़ सकते हो, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 से 15, 15 दिन 30। अब कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए ट्रिक से। ये 30 हो गया इंटू, पहला 2 है तो यहाँ 1 बटे 2 लिख लीजिए, दूसरा 3 है तो नीचे 3 लिखेंगे, ऊपर एक कम लिख लीजिए, 5 है तो नीचे 5 लिख लीजिए, ऊपर एक कम लिख लीजिए 4, ऐसा, ठीक है। इस 2 से ये 2 निपट गया, उसके बाद ये 3 है और ये 10 निपट गया, ये 5, 5 दूनी 10 निपट गया, और ये 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसका टोशेंट आया 8। तो इस प्रकार आप इसका टोशेंट निकालोगे किसका, भाज्य संख्या का। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा ये देखिएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। 31 बटे 12 है ना, 31 बटे 12 है, और इस 31 की पावर कितने दिया गया है, 67, ठीक है। ये 31 की पावर है 67। अब हमको क्या करना है, पहले तो हमको इसका HCF देखना है, क्या 31 और 12 का HCF एक है, तो बिल्कुल। देखिए HCF वाला क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए, HCF देखना ही देखना है। अब 12 का टोशेंट कितना होगा, है ना, अभी हमने निकाल के बताया है 12 का टोशेंट कितना होगा, ठीक है। 12 का टोशेंट कितना होगा, तो 12 का टोशेंट 4 होता है, पिछला आप वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, 12 का टोशेंट 4 होता है। अब इस 4 को हमको 67 से भाग देना है, 67 से इस 4 को भाग देना है। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 3, है ना, रिमाइंडर आ जाएगा 3। अब इस 3 को इसके 31 के पावर में रखना है, और नीचे 12 है, इस प्रकार, है ना, 31 के पावर में रखना है और नीचे 12 है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यदि 12 को हम, यदि 31 को 12 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपका आएगा 7, है ना, भाग करके देख लीजिएगा 7 आ जाएगा, और ये 12। चाहे तो हम 31 की पावर, 31 को 3 बार गुना करके भी ला सकते हैं, लेकिन हमको शॉर्ट मेथड का यूज करना है। 12 में 24 होता है, और 24 में 31, 12 में 24 होता है, ठीक है, 31 में 24 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो रिमाइंडर 7 बच जाएगा। अब देखिए इस 12 को 7 से कैसे काटना है, तो इस 7 का क्यूब क्या होता है, 343, और ये 12 नीचे। अब इसको यदि आप काटोगे तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा 7, ये आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा ये, ठीक है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन बनाने हैं। तो इसके बाद हमारा एक और थ्योरम बच जाता है, उसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे बनाना। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।